हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जहाँ पे 400 से भी ज़्यादा पोस्ट के निकल के आया है, जहाँ पे रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट निकल के आया है, कंप्यूटर असिस्टेंट के पोस्ट भी निकल के आया है, जिसके बारे में आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट पदों में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बताऊंगा 17 अगस्त 2021 से 16 सितंबर 2021 तक आपका जो एप्लीकेशन है वो चलने वाले, उससे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन करने के पहले आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे 350 पोस्ट अवेलेबल हुआ है। रिव्यू ऑफिसर के लिए 446 एंड कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, एआरओ के लिए 44,000 से 1,42,000 तक सैलरी दिया जाएगा। आरओ के लिए भी सेम रहेगा एंड कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 25,000 से 81,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। बैचलर डिग्री पास होना चाहिए अगर आप एआर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं इन लॉ में। इसी के साथ अगर आप आरओ के लिए भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। बट अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और लॉ में अगर आप कंप्लीट कर चुके तो एप्लीकेशन कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो आरओ एंड एआरओ के लिए 21 ईयर्स से 25 ईयर्स तक एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हो, जो कि मिनिमम एंड मैक्सिमम दिया गया है। और सीए के लिए आपको 18 to 35 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, हर एक एप्लीकेशन के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप लोग आपका एप्लीकेशन भेज सकते हो। उससे उसी के साथ साथ अगर आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए, आप लोग कॉमेंट करें। और यहाँ पर बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस, पहले तो आपको टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपको किया जाएगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए 800 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा एंड एससी एसटी उत्तर प्रदेश कैंडिडेट जो है, यहाँ पे 600 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों को बताऊंगा, एप्लीकेशन शुरू होने वाला है 17 अगस्त 2021 से। यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई एंड चलने वाले 16 सितंबर 2021। इससे पहले आप लोगों का एप्लीकेशन करना है। दोस्तों, आप लोगों को बताऊंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है वो है 400 से भी ज़्यादा। इसी के लिए आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट करें। और वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया या कोई और जानकारी चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसके लिए मैं आप लोगों को हर एक बात रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ साथ वीडियो को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।